याद हो रहे हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब आप लोग बोर्ड पर आ जाइए जी, ब्लैक पेन में एकदम। चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों इस चैप्टर में तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन रिड्यूस सिलेबस पे सिर्फ 2 टॉपिक हैं। उसमें से पहला टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब पहले इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा स्क्रीन से, और फिर स्क्रीन के बाद फिर आपको बोर्ड पर ये समझाऊंगा। तो स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ सबसे पहले बच्चों, तो आप जरा सा इंतजार करें। जी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। और बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो है वो आप देखिए कि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको यकीनी तौर पर आनी चाहिए, लेकिन बच्चों वो भी रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको याद कर लें, समझ लें। सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, और मोर करेक्टली इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. In other words, we can say electrochemistry is the study of the relationship between electricity and chemical reactions. So, बच्चों बहुत सारे ऐसे reactions होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, या बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन तमाम रिएक्शंस को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स के दरमियान जो भी रिएक्शन होता है, जो भी चेंजेस होती है, वो जिस जगह स्टडी की जाती है तो उस जगह को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इसके उलट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बच्चों इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस जो कि खुद ब खुद होते हैं, उनकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है। और जो रिएक्शन बच्चों होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। या बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के जरिए हम वो रिएक्शन करवाते हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में या तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है या फिर जनरेट होती है। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं, गैल्वानिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमें इस वक्त जरूरत इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की होगी जब हम आपको ये पढ़ाएंगे फैराडे लॉ। तो अब बच्चों मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा ये चीज, तो अब आप बोर्ड पर देखेंगे। ओके आइए जी, बोर्ड पर अब आप इसको समझ लें। बच्चों सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक करंट की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके से फ्लो करता है। या तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज आयंस का फ्लो होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ आयंस थ्रू अ वायर थ्रू अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इसका सिंबल होगा ए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम सिंबल यूज करेंगे आई। जी स्टूडेंट्स क्लियर है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन? ओके अब जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? बच्चों तो नाम से जाहिर है कि ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रिक करंट से है। तो बच्चों केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शंस के ताल्लुक को स्टडी करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। बच्चों खुसूसी तौर पर जो रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे उन्हें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो यहां पर आप देखिएगा रिडॉक्स के भी दो पार्ट है ना, रेड और ऑक्स। ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन से ले लिया और रेड जो है रिडक्शन से ले लिया, तो ये बन गया रिडॉक्स। बच्चों ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन आपको बता देता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ये आप पढ़ेंगे बुक टू में, बुक टू में आप पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नंबर 11 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन
which means loss of electron and reduction, which means gain of electron. So बच्चों जो redox reaction में electron transfer होते हैं, हम उन electrons को electric current generate करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो electrochemistry में हम redox reactions को use करते हुए इलेक्ट्रिक करंट या तो जनरेट कराएंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम होगा. अब आपको दूसरी डेफिनेशन बताता हूं. यस अब्दुल्ला, रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, बट देयर आर सम रिडॉक्स रिएक्शंस व्हिच कंज्यूम इलेक्ट्रिक करंट. इनफैक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. One is called spontaneous redox reaction, another is called non-spontaneous reactions. In spontaneous redox reaction, current is produced, while in non-spontaneous redox reaction, current is consumed. तो अब बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की आपको असल तारीफ बताते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की असल तारीफ बताते हैं बच्चों. केमिकल्स के अंदर एक एनर्जी छुपी हुई होती है और उस एनर्जी को कहते हैं केमिकल एनर्जी. केमिकल्स में प्यारे बच्चों बॉन्ड्स होते हैं. बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी छुपी हुई होती है, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं. बच्चों केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बच्चों केमिकल एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा वो देखिएगा. एरो पे मैं कुछ लिखूंगा रेड कलर से. तो बच्चों केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इन गैल्वानिक और वोल्टेइक सेल में, जब हम केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी करंट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी. लेकिन ये पूरा प्रोसेस गैल्वानिक सेल में होगा और जो प्रोसेस होगा, जो रिएक्शन होगा, वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा. लेकिन बच्चों इसका उलट भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है केमिकल एनर्जी में. लेकिन बच्चों ये जो चेंज है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी ये खुद ब खुद नहीं होती, ये जबरदस्ती होगी. और ये चेंज जिस सेल में होगी उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम करंट पास करेंगे तो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और जो भी कंपाउंड होगा उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों ऊपर वाले प्रोसेस में जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो करंट जनरेट होगा, तो वो सेल जिसमें करंट बनेगा गैल्वानिक सेल कहलाएगा और वो सेल जिसमें करंट कंज्यूम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इन दोनों की इंटर कन्वर्जन को डील करती है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगी। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। अच्छा, अगर आप डेफिनेशन याद ना कर सके तो आप खाली ये चार्ट बना देंगे तो पूरी डेफिनेशन आपकी सही मान ली जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चों? एनी क्वेश्चन? आगे चलूं बेटा फिर? तो बच्चों फिर मैं आगे आपको चल रहा हूं और अपना नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं इस चैप्टर का। जो टॉपिक बच्चों मैंने आपको बताया था आपकी बुक में है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सिर्फ यही टॉपिक है बच्चों, बाकी और कुछ भी नहीं है। इस वक्त मैं बोर्ड पर आपको ये कराने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 9 का पहला टॉपिक जो आपकी बुक में रिड्यूस सिलेबस में है उसका नाम है जनाब इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप इधर देखिए, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिहाज से दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरी टाइप को कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कुबेर, अभी बताता हूँ, पहले इधर देखो फिर अभी बताता हूँ बेटा। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, दो तरह के कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में कंपाउंड होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, यानी दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म। ये इनकी डेफिनेशन है। इनकी दो एग्जांपल्स होती है, आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पोलर कंपाउंड्स आर आल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्ट्स एंड पोलर कंपाउंड्स आर आइदर एसिड्स और बेसिस। सो सॉल्ट लाइक NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट,
acid like HCl, base like NaOH is electrolyte. तो बच्चों किसी भी कंपाउंड में से अगर बिजली पास होगी तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगी। बिजली पास सिर्फ दो सूरतों में होगी, या तो मोल्टन स्टेट में या फिर सोल्यूशन फॉर्म में। इसके बरक्स बच्चों वो कंपाउंड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और बच्चों इनकी एग्जांपल होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनकी एग्जांपल होती है नॉन पोलर कंपाउंड्स। मसलन बच्चों यूरिया, ग्लूकोज, मीथेन, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। जी स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? एक सवाल बच्चों यहाँ पर पैदा हो रहा होगा आपके जहन में कि इलेक्ट्रोलाइट में से करंट क्यों पास होता है। तो बच्चों इसकी वजह सुनिए, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ the movement of ions. But with the solid ionic compound में से electric current pass नहीं होता, बावजूद इसके solid ionic compound में ions तो होते हैं, लेकिन solid ionic compound में ions अपनी fixed positions पर होते हैं और उनके दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। जब तक ये आयंस अलग अलग नहीं होंगे बिजली पास नहीं हो सकती। तो बच्चों इन आयनों को अलहदा करने के लिए हम या तो इन आयोनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग पर आयंस अलग अलग हो जाते हैं, या फिर इनको एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में भी आयंस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। और जब आयंस अलग अलग हो जाते हैं तो बच्चों फिर इलेक्ट्रिक करंट गुजारने पर ये आयंस इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं। इसके बरक्स बच्चों जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चों वो आइंस पर मुश्तमिल ही नहीं होते, बल्कि वो मुश्तमिल होते हैं मॉलिक्यूल्स पर। और बच्चों मॉलिक्यूल्स में से बिजली पास हो ही नहीं सकती ना। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आइंस में टूट ही नहीं सकते, और जब आइंस में नहीं टूट सकते तो करंट किसी सूरत में पास नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मसलन शुगर, ग्लूकोज, बेंजीन, यूरिया, क्लोरोफॉर्म, ग्लिसरीन, पेट्रोल, क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनमें से बिजली पास नहीं होती। और अब हम आएंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स पर। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे बोर्ड के ऊपर, लेकिन पहले यहां तक कोई क्वेश्चन आपने पूछना है। विश्व भर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है वो है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, the most common galvanic cell we use is storage batteries. ये बेटा ही डिफरेंस है। And storage battery की जो सबसे common example है वो है batteries.
सेल बच्चों अब मैं आपको पढ़ाता हूं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सो नाउ लुक एट द बोर्ड बच्चों ये टॉपिक हो जाएगा तो कल इंशाल्लाह फैराडे लॉ कराएंगे तो कल चैप्टर नंबर 9 इंशाल्लाह हमारा मुकम्मल हो जाएगा. फिर जो टॉपिक हमारे एक आध रह गया है वो हम आपको पढ़ा देंगे. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. And second type is called weak electrolytes. Now, what is the definition of a strong electrolyte? Strong electrolytes, the definition ye hai. These are the electrolytes which conduct electric current to greater strength. वो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से करंट ज्यादा पास होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे. दूसरी बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. दे आयोनाइज टू अ ग्रेटर स्ट्रेंथ हैविंग greater perceived ionization और ये बच्चों 30% से ज्यादा होती है. greater than 30% इसके बरक्स weak electrolytes क्या होते हैं. weak electrolytes वो compounds होते हैं which do not conduct electric current to a lesser extent. extent यहाँ पे लिखना है extent. The weak electrolytes ionize to a smaller or lesser extent, having lesser percentage ionization, having lesser percent ionization, less than 30%. Strong electrolytes की दो examples हैं, तीन examples हैं. पहली examples है strong acids, strong bases. And soluble salts. Masalan H2SO4, NaOH, NaCl,
इन सब के सोल्यूशन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जबकि इनकी एग्जांपल्स हैं जी वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। मसलन एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड वगैरह वगैरह, और वीक बेस पे बच्चों यहां पर NH4OH या निक्वर अमोनिया लिख लीजिए। यहीं पर बच्चों हमारा ये आज का लेक्चर जो है उसमें खत्म होना चाहिए था, लेकिन अभी टाइम है तो आप इसको पहले कॉपी कर लें, फिर मुझसे सवाल कर लें कोई। स्टूडेंट सबके समझ में आ रहे हैं बच्चों टॉपिक? स्टूडेंट रबी से समझ में आ रहे बच्चों सबके? डेप्थ रिडक्शन अकर्स एट कैथोड बिकॉज कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैथोड अट्रैक्ट्स कैटायन एंड कैटायन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस इट्स पॉजिटिव चार्ज कैटायन गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो मैं स्क्रीन शो तो हो रही है बेटा, कौन सी तरफ भी शो करूं? स्ट्रॉन्ग बेस के नीचे लिखा है NaOH, तो कैथोड ही होता है। नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव चार्ज वो सप्लाई करता है पॉजिटिव चार्ज। मैं तो कुछ भी रीड नहीं कर रहा, मैं तो आपको कुबैब को जवाब दे रहा हूँ। कुबैब बेटा उसने क्वेश्चन पूछा था, उसको जवाब दे रहा हूँ बेटा। कुने आप तो कोई क्वेश्चन पूछती नहीं हो। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा आज की क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की? कुछ समझ में आया आप लोगों को या ऊपर से गुजर गई? फैराडे लॉ कंफर्म आएगा बोर्ड में, तो कल फैराडे लॉ शुरू करेंगे। आप लोग हेडिंग लगा के रख लो, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एमसीक्यू का टेस्ट होगा, किसका टेस्ट होगा, कब टेस्ट? अब कोई टेस्ट नहीं है आपका केमिस्ट्री का, अब आपका डायरेक्ट फाइनल पेपर होगा बोर्ड के पेपर से पहले। तो आप अपनी तैयारी कर लें पूरी बुक की। बच्चों मैं हाफ रिटॉक रिएक्शन बहुत आसानी से लिखते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर पढ़नी पड़ेगी या फिर नाइन्थ क्लास का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप नहीं पढ़ेंगे। बट मुझे ये लग रहा है कि आपने जरूर पढ़ना शुरू कर दिया एंड इट इज अ वेरी गुड साइन। आप तो वैसे भी हमेशा पढ़ते ही थे, लेकिन आपको लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। इसी बात पर जब कोचिंग खुल जाएगा तो आप मुझे अच्छी सी बिरयानी बनवा के खिलाएंगे, ओके? मेरी दावत करेंगे आप। बच्चों कोई सवाल करना है आप लोगों ने या क्लास ऑफ करें?
Deep, Abdul Rahman Shah, don't like chicken at all. So students, आज की क्लास का कैसा रहा रिजल्ट प्लीज आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट्स में, जल्दी से अपने कमेंट दीजिए आज की क्लास की कैसी थी क्लास, समझ में आई आपको? जी जल्दी बता दीजिए, टाइम खत्म होने वाला है। और ये क्या अमारा को समझ में नहीं आया क्या? अमारा शहराम यस गुबैर ऑक्सीडेशन ऑलवेज अगर आज एनोड ऑक्सीडेशन स्टार्ट विद वोवल साउंड and anode is also starts with vowel sound. So when the vowel sound matches each other, the process occurs together. Oxidation, anode. But reduction, cathode. Both are starting with consonant. That is the way of learning. Okay, students. So now is meet you in the next class. Till then, goodbye. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह भली करे।